सोहेलेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को, फाइनली हुंडई एस्टर आज हमारे सामने खड़ी है। ये इंडियन मार्केट में आज लॉन्च हो चुकी है और क्या क्या चीज़ें गाड़ी आपको ऑफर करती है, इतने टाइम से इसका वेट चल रहा था, तो आज ये वीडियो आपके लिए आ रही है। और देख सकते हो आप, ना ही कोई यहाँ पे ज़्यादा लोग बाग हैं, तो आपको एक फाइन रिव्यू जो है हम दे पाएंगे कि इसमें मिलता क्या क्या। इसकी SX ट्रिम है और ये आप देख सकते हो स्मार्ट ऑटो, ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट आप इसका देख रहे हो। और इसके अंदर जो ऑटोमेटिक ट्रिम आती है उसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हो जाती है 7.96 लाख रुपीज़ एक शोरूम। तो ये डिपेंड करेगी अपने डीलर से डीलर और स्टेट टू स्टेट। और अभी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। इसका SX ऑप्शनल वेरियंट है, मतलब टॉप एंड ट्रिम है। इसकी क्या क्या चीज़ ऑफर कर देता है वो बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैं इसकी चाबियाँ, चाबियाँ कुछ इस तरीके की मिलती है। टॉप एंड ट्रिम है तो ये मेटेलिक फील आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। बूट को यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो और ऐसी ही सेकेंडरी की आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अभी चाबी को रख लेते हैं पॉकेट में और प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं। तो ये है इसके डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और फोटोज में आपको बेशक से अलग लग रही होगी, बट जो इसकी प्रेजेंस है वो लिटरली कुछ ऐसा फ्रेश सा प्रोडक्ट है। और सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां आती है उनको लिटरली उनकी मार्केट एक खाने वाली है। बहुत मतलब प्यारी सी लग रही है और लग रही है कि हाँ भी कोई अलग सा प्रोडक्ट है, किसी से मिलता जुलता सा नहीं है और एक अलग जो प्रोफाइल है वो कैरी करता अपने साथ। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो इसके DRL जो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से एस टाइप जलते हैं और इसी के अंदर आप देखोगे पीछे एक साइड अपना इंडिकेटर है, नीचे एक साइड प्रोजेक्टर बेस अपना हेडलैम्प्स का सेटअप है जो कि सिंगल प्रोजेक्टर है लो बीम हाई बीम के लिए। अंदर जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो सब ग्लॉसी ब्लैक है। ये पोर्शन जो आप कनेक्टेड देख रहे हो इस हेडलैम्प से लेके और इस हेडलैम्प तक, ये देखो ये पूरा पोर्शन जो आपस में कनेक्ट होता है। और ग्रिल आप देख रहे हो ये ग्लॉसी ब्लैक दी हुई है, ये नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। नीचे पूरा एयर इनटेक के लिए अपना जो ग्रिल है दिया हुआ है, नीचे का जितना पोर्शन आप देख रहे हो ये मैटी फिनिश में बट है गन मेटल टाइप। एस्टर यहाँ पे आगे की साइड भी लिखा हुआ मिलता है, हुंडई का लोगो है और अगेन ये सैटन फिनिश में। उसका कलर देखो भाई, क्या यूनिक क्या प्यारा लग रहा है। मतलब ये है जी कुल मिला के इसकी फ्रंट प्रोफाइल। साइड में देखोगे तो काफ़ी थिक क्लैडिंग जो है देखने के लिए मिलती हैं। ये आर्चेज जो आप देख रहे हो ना, ये आपको ऊपर से तो लगेंगे स्क्वायर बट अंदर की साइड आप देखोगे तो राउंड ही है। मतलब ऐसा स्क्वायर वगैरह सिर्फ ऊपर की साइड से, अंदर की साइड से राउंड ही है। टायर सेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, सीएट के टायर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेक्शन जो है इनका वो है 175/65/R15 15 इंच का कुछ ऐसे आएंगे मशीन का टलो है, जहाँ पे आगे डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर होंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की ऑलमोस्ट बात करें गाड़ी की, तो ये 170 mm के लगभग आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर करेगी। यहाँ जो राइट फेंडर इस पे स्मार्ट ऑटो मेंशन है, मतलब इससे भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। बॉडी कलर्ड ORVM से इंडिकेटर्स हैं और ये कलर डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अभी तो ऐसा मतलब लाइट्स वगैरह हैं, जब धूप में निकलेगी रोड पे आएगी जो एक्चुअल लाइट पड़ती है तब देखना कितनी शानदार लगेगी। और एक सेफ्टी फीचर जो बहुत बढ़िया आता है इसके अंदर वो है डैश कैम, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। अंदर से बात करेंगे उसकी वाइपर्स हैं, ऊपर की साइड अपना एक सनरूफ देखने के लिए मिलती है प्रैक्टिकल सी ग्लॉसी ब्लैक, अपनी रूफ रेल्स आ जाती हैं, प्लेन विंडोज़ हैं और ये बीच वाले पिलर जो देख रहे हो सब मैट ब्लैक हैं, रिक्वेस्ट सेंसर हैं। और अगेन कलर की तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब अलग अलग पोर्शन से जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है अलग अलग तरीके से मतलब खूबसूरत लग रही है गाड़ी। फोटोज़ में कुछ अलग लग रही थी और रियल लाइफ में अलग लग रही है। ये आप देखोगे डोर पैनल्स पे लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये एजेस ये देखो कितने ज़बरदस्त लगते हैं भाई, बढ़िया एकदम ऐसे ही थे क्लैडिंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और ये नीचे तक चलती हैं पूरा, और बिडिंग वगैरह है ये भी काफ़ी सॉलिड आपको मिलती है। ऊपर साइड ग्लॉसी ब्लैक अपना शार्पिन एंटीना है और ये स्पॉइलर देखो यूनिक सा एकदम ग्लॉसी ब्लैक है, बट इसका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको अलग लगेगा। और यहाँ पे स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर भी है, मतलब पूरी यूनिट आपको कंप्लीट मिलती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अलग से मेंशन किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरीके के हेडलैम्प मिलते हैं ऐसे ही अपना टेल लैम्प्स भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल जैसा एच आगे की साइड बनता है ऐसा ही पीछे की साइड बनता है। अंदर की साइड जो बल्ब है वो हेलोजन है, बाकी ये चीज़ जो देख रहे हो LED पोर्शन है। ये रिवर्स लाइट है, इंडिकेटर है, एस्टर यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। ये चीज़ जो आगे की साइड आपने देखी है जो अपना आगे के हेडलैम्प्स को आपस में कनेक्ट करती है, ऐसे ही पीछे वाले टेल लैम्प्स भी आपस में कनेक्ट होते हैं इस पोर्शन के थ्रू। हुंडई का लोगो है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, अपना रिवर्स कैमरा है और ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो पार्किंग सेंसर्स हैं, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। मॉडल SX यहाँ पे भेजेंगे, SX ऑप्शनल है तो O का अलग से कोई मार्क वगैरह तो नहीं है, बट ये अलॉयज वगैरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अभी इसका बूट भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर अपना मैग्नेटिक बटन मिलती है जिसे प्रेस करके आप अपना बूट जो है एक्सेस कर सकते हो। पार्सल ट्रे दी हुई है और बूट स्पेस की यहाँ पे बात करते हैं, ऑलमोस्ट 300 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे बूट लैंप है और इधर की साइड नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है ये आपको अपोलो का देखने के लिए मिलता है। और इसका जो टायर सेक्शन है वो आपको 165/70R14 एक साइज डाउन मिलता है, ये अपना 14 इंच का टायर यहाँ पे मिलेगा। तो ये थी ओवरऑल गाड़ी की लुक्स। और अभी बात करते हैं इंटीरियर के बारे में कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बाकी जो इसकी प्रेजेंस है गाड़ी की वो लिटरली यूनिक लग रही है और अच्छी लग रही है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। और ये लो जी,
सो डोर पैनल्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें सब आपको ब्लैक कलर की देखने के लिए मिलते हैं। हम बात करें डोर लिवर की, पावर विंडोज की या फिर ओवरऑल पूरे पैनल की, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिम आपको नहीं मिलती है, सब कुछ ब्लैक है। स्पीकर है, बोतल होल्डर है, चारों पावर विंडोज हैं, विंडोज के लॉक हैं, ओआरएन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं और ये डोर्स के लॉक यहाँ पे मिल जाते हैं। सीट्स की बात करते हैं तो सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे आपको सीट देखने के लिए मिलती है, और इसके ऊपर जो डिजाइन लैंग्वेज है ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये ऊपर की साइड से फैब्रिक है और साइड में से आप देखोगे तो लेदर है, और ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये गाड़ी के कलर को मैच करती हैं। अभी आपको ऐसा लाइट में ज़्यादा पता चल नहीं रहा होगा, बट बढ़िया तरीके से मैच करती है गाड़ी की केबिन गाड़ी के बाहर एक्सटीरियर से। बाकी अंदर की बातचीत करते हैं तो उससे पहले नीचे देख लो, दो ही पैडल्स हैं, ये अपना एक्सेलरेशन ब्रेक और डेड पैडल के लिए डेडिकेटेड स्पॉट है, और यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट मिलती है ब्लू कलर की आप देख सकते हो। यहाँ पे बोनट खोलने के लिए लेवर है, फ्यूल लिड खोलने के लिए यहाँ पे लेवर है, ट्रैक्शन कंट्रोल, यू की बटन है, लाइट लेवलिंग डायल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से गाड़ी आपको क्या क्या ऑफर कर देती है। तो अभी चलते हैं क्या, अभी स्टार्ट करते हैं। चाबी मेरी जेब में रखी हुई है तो मैंने एक बार ये बटन दबाई, स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो चुका है, और ये लाइट्स वगैरह आपको दिख रही होगी जगह जगह पे जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बटन्स वगैरह के अंदर। तो एक ये चीज़ है, इस सिचुएशन पर आप गाने वाने इसमें प्ले कर सकते हो। और अभी सेकेंड टाइम जब इस बटन को दबा देते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन होता है यहाँ पे क्लस्टर, और ये इस क्लस्टर से आप वाकिफ होगे, वेन्यू के अंदर भी आपने इसको देखा होगा, तो ये पूरा डिजिटल देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ इसके बारे में बहुत अच्छी है कि जब भी आप मतलब धूप में भी जाते हो या फिर कहीं पे भी ऐसा हो कि बाहर की साइड जो है लाइट ज़्यादा है तो भी यहाँ पे सारी चीज़ें विजिबल रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको दिखे ना या फिर कुछ शब्द नहीं दिख रहे अंदर चल के आ रहा वो ना दिखे, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कार्टूनिश नहीं लगता, एक सबसे बड़ा पॉइंट, तो ये बहुत एक्यूरेट और बहुत स्टैंडर्ड लेवल का लगता है, बहुत बढ़िया। सीट बेल्ट रिमाइंडर्स यहाँ पे, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह है, और बीच में MID जो है अलग है, ये जो पैनल्स हैं ये दोनों अलग हैं, टेम्परेचर फ्यूल सब आपको डिजिटल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे वाइपर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, और इधर की साइड हेडलैम्प्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके के मिलते हैं हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स, कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है। और स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है, लेदर रैप मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, और शानदार है कुल मिला के, ये स्टिचिंग वगैरह जो की हुई है ना ये बहुत सही सूट कर रही है गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल साथ, जो कलर है इसका बेसिकली उसके साथ। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है, मतलब फीडबैक तो भी क्या ही बता सकता हूँ, जो इन हैंड फील है वो शानदार है, मतलब लग रहा है कि यहाँ पे किसी SUV के अंदर बैठे, और अभी तो सीट नीचे की साइड की हुई है मैंने और फिर भी जो बोनट व्यू है वो क्लियर है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी लिटरली। और मैं प्लान कर रहा था कोई ना कोई गाड़ी, तो अभी इसको भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है इंट्रोडक्टिव प्राइस जो आया इसका वो आया भाई 5.99 लाख रुपीज़, मतलब 6 लाख रुपए एक शोरूम बेस मॉडल की कीमत है, तो ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दे दिया कंपनी ने। यहाँ पे अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग देखने को मिलती है यहाँ पे भी, और 6 एयरबैग आते हैं जो गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड ही हैं। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट है, और ये टिल्ट का ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में ऊपर की साइड, उससे पहले देख लो यहाँ पे सनरूफ आती है, प्रैक्टिकल सी है, और इधर साइड अपना वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, माइक की प्लेसमेंट है, सनरूफ के कंट्रोल है, येलो कलर की रीडिंग लाइट कुछ इस तरीके की मिलती है, एक स्मार्ट IRV मिलता है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ, डैश कैम की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, और देखो मैं इसके ऊपर उंगली घुमा रहा हूँ तो अंदर और बाहर दोनों फुटेज जो है एक साथ रिकॉर्ड करता है, और इधर ही साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है। डैशबोर्ड देखोगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जितनी चीजें सब ब्लैक दी हुई है, बट इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको अलग दिखेंगी, जैसे कि ये जो पोर्शन दिए हुए हैं और जो साइड वाले AC वेंट्स हैं इनके ऊपर भी, ये जो बिल्कुल बहुत लाइट ग्रीन कलर की जो एक लाइनिंग दी हुई है ना, व्हाइट नहीं है ये, थोड़ी सी ग्रीन कलर के अंदर है, तो ये आपको ऐसे ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं होगी, बट अलग से दिखती जरूर है, वो एक चीज है। बीच में एक टच इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, फिजिकल नॉब्स एंड बटन दिए हुए हैं प्रैक्टिकल यूज के लिए, AC वेंट, हजार लाइट की बटन, ऑटोमेटिक AC है, टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ पे एक 12 का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पे एक USB पोर्ट है, और ये वायरलेस चार्जर का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो एक अच्छी चीज है। ये है इसका गियर नॉब कुछ इस तरीके का, ऑटोमेटिक के अंदर कुछ ऐसा गियर नॉब आपको देखने के लिए मिलेगा, RNDM के यहाँ पे सिंबल्स हैं, 2 कप होल्डर्स, थोड़ी स्पेस, यहाँ पे हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पे कूलिंग फंक्शन के साथ मिलता है अपना ग्लो बॉक्स, आप देख सकते हो कूलिंग फंक्शन के साथ ही आएगा। और अभी ये थी सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में, और अभी चलते हैं पीछे के कंफर्ट कंट्रोल और फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पीछे क्या क्या चीजें मिलती हैं। और भाई मतलब दिल से आ गया लिटरली इसकी प्रोफाइल, एक तो ये चीज है ना कि ये किसी से मिलती जुलती सी नहीं लगती है बाहर से, थोड़ा अलग सा यूनिक सा प्रोडक्ट लगता है, तो वो अपने आप में शानदार है। बाकी हम पीछे चलते हैं, पीछे की चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। सो भी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे और पीछे के स्पेस वगैरह की बातचीत करते हैं। और ये देखो जब लाइट पड़ती है ना तो ये जो लाइंस है ना ये अलग से विजिबल होती हैं, और जो इसके मसल्स भी आप इन्हें कह सकते हो। यहाँ की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का मिलता है डोर पैनल, यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आगे दिया और पीछे ना दिया हो, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, बोतल होल्डर, ये अपना कुछ इस तरीके का मिलता है, डोर लेवर, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अभी पीछे की स्पेस की बात करते हैं, और पीछे की स्पेस की बात करें तो ये देखो 5'9" मेरी हाइट है, और ये देखना भाई लिटरली
कितनी स्पेस है 5-9 के हिसाब से, थाई रूम में मुझे कोई इशू नहीं है। और ये हेड रूम यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मेरे पास, मैं आराम से बैठा हूँ 5-9 के हिसाब से। यहाँ पॉकेट नहीं मिलती है इस सीट पे, बट यहाँ पॉकेट मिल जाती है आपको को पैसेंजर साइड। और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं हम। और पीछे की साइड आप देखोगे तो रियर एसी वेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, ये देख लो कुछ इस तरीके से इनका फ्लो वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की साइड एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, मिनिमल सा हम पे 3 बंदे बड़े आराम से यहाँ पे बैठ के जाएंगे। यहाँ पे 1 और 2, ये जो आगे वाले हेड रेस्ट हैं ये तो फिक्स जाते हैं, बट जो पीछे वाले हैं ये आप एडजस्ट कर सकते हो। 3-point सीट बेल्ट मिलती है तीनों बंदों के लिए, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स दिए हैं कुछ इस तरीके से, जो कि अपने आप इजी फोल्ड होते हैं। यहाँ पे रीडिंग लाइट आती है पीछे वाले बंदों के लिए भी, बहुत बढ़िया। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, शानदार। और ये थी ओवरऑल सारी की सारी चीजें, कैसी लगी वीडियो बताना यहां तक। ये इंटीरियर आपको कैसा लगा इस गाड़ी का वो भी बताना, अभी तक यहां तक देख रहे हो। और हम जब तक आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट चेकआउट कराते हैं, एक बार इसका बॉन्ड खोल लेते हैं और देखते हैं कि इंजन प्रोफाइल कैसी मिलती है और क्या पावर फिगर्स हैं इसकी। और अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं मिलती। बाकी इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है K1.2, मतलब कि 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि ऑलमोस्ट 81 bhp डेवलप करता है और 113 nm का टॉर्क जो है डेवलप करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी, अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के, बट फिर भी 35-37 लीटर्स के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी के साथ आएगी। और ये वो ही इंजन है जो आप जानते हो i10 Neos वगैरह के अंदर आता है, तो इसकी माइलेज भी सेम सिमिलर रहेगी, बट इसके साइज अलग है, थोड़ी बड़ी है उससे, तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, बट फिर भी एक सेटिस्फाइड जो इकोनॉमी है आपको देगी जरूर। यहाँ पे बैटरी की प्लेसमेंट है, फ्यूज वगैरह है, फ्लूड्स वगैरह यहाँ पे डालेंगे अपने। और ये है पूरा इंजन कंपार्टमेंट आपके सामने, और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थी आपके सामने Hyundai Ester, ये इसका SX ऑप्शनल वेरियंट था ऑटोमेटिक के साथ। अगर ये गाड़ी आप प्लान कर रहे थे और वेट पे थे कि भाई इसको देखने के बाद ही हम इस गाड़ी को प्लान करेंगे, तो भाई आपका इंतजार मतलब वो वसूल हो गया, लगा लो एक तरीके से। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो इंप्रेशन है इस गाड़ी को देख के वो लिटरली वाह है, कुछ अलग सा है, कुछ यूनिक सा है। और शानदार अपने इंजन के साथ आती है गाड़ी, और शानदार स्पेस के साथ फीचर्स भी टॉप नोच अच्छे मिलते हैं। तो ये थी आपके सामने Hyundai Ester, कैसी लगी वीडियो, क्या राय है इस गाड़ी के बारे में जरूर शेयर करना कमेंट में, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।